इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सिस्टम ने काफी ताकत की वजह से दुनिया में बर्बादी यहां पर आ गई है, तो बधाई हो लॉटरी लीजिए स्पिन मारने का ऑप्शन। ये भी देखता भाई मेरी वजह से दुनिया में कुछ भी बर्बादी यहां पर नहीं आई है, बस मेरा मकसद ये किया अगर तुम मेरे बीच में आओगे और मुझे रोकने की कोशिश यहां पर करोगे ना, मैं तुमको पूरा बर्बाद यहां पर करके रख दूंगा। हाँ लेकिन बाय चांस अगर तुम्हारे बीबी बच्चे ना, उनको छोड़ दूंगा, उनको अपने अंडर में ले लूंगा, उनका ध्यान में रखूंगा, खास करके तुम्हारी बीबियों का। सिस्टम यहां पर कहता है केवल बड़े हरामी और ठरकी हुई लेनो जी, इसके बदले आपको जो स्पेस है ना, स्पेस यहाँ पे डबल कर दिया जाता है। ये भी कहता है यार तूने पीछे वाली भी स्पेस डबल किया था, फिर से यहाँ पे डबल कर दिया, यार इतना स्पेस डबल करवा के उसमें रखूंगा मैं क्या, तू क्या चाहता है मैं लोगों को यहाँ पे लूटूं और सामान उनका लूट कर उसमें रख लूं? अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं ऐसा यहाँ पे कर दूंगा। मुझे याद है तूने ना मुझे लॉटरी मारने का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया था, चलो यार लॉटरी मारो और देखते मुझे क्या मिलेगा। तो लॉटरी यानी स्पिन मारता है तो 100 डेंटेड अपग्रेड करने का कार्ड यहाँ पे मिलता है, जो देखे इसको हल्का सा ये हो जाता है कि यार मुझे याद है जितना भी मैंने स्पिन यहाँ पे मारा ना, तूने हमेशा इस वर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई चीज यहाँ पे दिया है, इस बार भी 100 डेंटेड लेवल अप कार्ड। चलो कोई बात नहीं भाई, ये यूज कर लेता हूँ। लीन फैन वो भी यहीं पे था, लीन फैन से कहता मेरे भाई बस बहुत हो गया, बस बहुत ही हो गया, अब उससे रुका नहीं जाएगा, बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा। मनी मन सोचते 100 डेंटेड से अपना जो 100 मतलब 100 डेंटेड लेवल अप कार्ड से अपने 100 डेंटेड का लेवल अप करना चाहता हूँ तो मैं रुक नहीं सकता। लेकिन लीन फैन गलत समझ लेता है, भाई तुझे रुका नहीं जाता, क्या करना चाहता है? नहीं देख यार मैं ऐसा वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन वो तो अपने 100 डेंटेड का लेवल अप करता है। वो जैसे करता है इसका 100 डेंटेड चौथे लेवल से पांचवें लेवल पे आ जाता है, जो देख रहे ना लीन फैन की दुनिया हिल जाती है कि मम्मी रे यार ऐसा कैसे हो सकता है। जहां तक कि मुझे याद है कुछ दिन पहले ने इसका 100 डेंटेड तीसरे लेवल का था, लेकिन आज इसका 100 डेंटेड पांचवें लेवल पर इतना जल्दी कैसे बढ़ सकता है? सिस्टम लिख आता बधाई हो आपने चूजन वन को हैरान करके रख दिया, तो बदले में आपको 1 लाइट पॉइंट मिलता है। उसके बाद ना उसका खुद का भी लेवल अप होता है, पहले डिवाइन स्टेज के पांचवें लेवल पे था लेकिन अब डिवाइन स्टेज के छठे लेवल पे जाता है। जो देख रहे ना ये और भी ज्यादा हिल जाता है कि भाई जाने से पहले ये डिवाइन स्टेज के सेकंड पे था और यहाँ पे डिवाइन स्टेज के छठे पे, इतना ज्यादा जल्दी विकास। सिस्टम में फिर से लिख कर आता है कि भाई आपने चूजन उनको हिला के रख दिया तो बदले में 1 लाख पॉइंट। और बेचारा लीन फैन एकदम सदमे में आ जाता कि अरे बाप रे यार लोग मुझे एकदम ऐसा चूजन वन कहते थे, हजारों साल में एक बार पैदा होने वाला, लेकिन ये लड़का तो मुझसे ज्यादा आगे यहाँ पर है, यार मुझे खेलना ही नहीं है भाई, रोते रोते भाग जाता है। ये भी चला था सिस्टम यार, इतनी 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 भी नहीं लेनी थी यार, बेचारा रोते रोते भाग रहा है, यार नहीं रहेगा तो किसके लेके मैं पॉइंट कमाऊंगा, अरे रुको लीन फैन मेरे भाई मैं भी आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है शायक किंगडम में, अपनी जो युवान के साथ ना कुछ और जो उसके टीममेट यहाँ पे थी ना वो सब टेलीपोर्ट होकर ना वो भी आ चुके थे भाई, क्या बोलते हैं बाहर साइड वही शायक किंगडम के एरिया के अंदर, वेस्टर्न एरिया के अंदर। तो मालूम चलता भी हम लोग अनलकी है जो कि हम लोग इस एरिया के अंदर यहाँ पे आ गए। एक लड़की बताती है जो ईस्टर्न एरिया ना क्यून फैमिली के अंडर में यहाँ पर आती है, अगर वहाँ पे चल जाते हैं क्यून फैमिली का लड़का यहाँ पे क्यून फेंगे हमारी जान एक बार के लिए बच जाती है, लेकिन ये एरिया ना वेस्टर्न एरिया जो मालूम है किसके टीएन फैमिली के अंडर में आती है, अरे वही फैमिली है वो हरे बाले वाली लड़की की और उसके बीच में और हमारे यू डायनेस्टी है ना उनके बीच में बिल्कुल भी जमता नहीं है। तो अगर बाई चांस मालूम चल गया हमारे बारे में हमारी तो बैंडी बच जाएगी। युवन अपनी यहीं पे थी, वो कहती है टेंशन ना लो हम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। उतने मेरा दोस्त एक अटैक आता है, युवन यहाँ पे फट करती है अटैक के धज्जे उड़ा देती है। तो देख सकते कुछ लड़कों की टीम यहाँ पे आती है, वो देख के पहचान जाते कि वाह यार जो सीक्रेट टीम जो अभी अभी क्लोज हुआ है ना पक्का तुम उसके मेंबर यहाँ पर हो गए, एक काम करो जल्दी से हमारे बाकी साथियों को भी इन्फॉर्म कर दो स्पेशली टीएन फैमिली को, वो लोग जल्दी से आ जाएंगे। तो दूसरा बंदा अपने पास कुछ लिया था उसको आसमान में ब्लास्ट करता है तो मैसेज यहाँ पे पहुंच जाता है। जो देखिए युवान कहते शिट यार इसने तो मैसेज यहाँ पे पहुंचा दिया, ये लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, जो और बंदे आएंगे आई डोंट नो वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे। उतने में कुछ समय बाद ना टीएन फैमिली के जो बंदे थे ना शिप वो शिप यहाँ पे आ जाता है जिसमें ढेर सारे बंदे थे, ये भी कहते शिट भाई टीएन फैमिली के लोग यहाँ पे आ गए, यार भला इसी में कि जान यहाँ पे बचाओ और यहाँ से निकलो, तो सबके सब वहां से भागने लग जाते हैं। तो बाकी लड़के युवान से पूछती बताओ यार हम लोग क्या करें हम लोग कहाँ पे जाएं, ये लोग कहते हैं भाई जो ईस्टर्न एरिया में चलो ताकि क्यून फैमिली के अंडर में हम लोग जा सके, क्यून फैमिली हमको बचा लेगी। बाकी लड़की कहती नहीं क्यून फैमिली के बीच में भी और हमारी यू डायनेस्टी के बीच में जो मामला है ना उतना आसान यहाँ पे नहीं है, तुमको याद नहीं है क्या कि उसने अपने छोटे भाई का जो सुप्रीम बोर्ड ना वो यहाँ पे चोरी किया और रातों रात वहां से निकल गया, जिसके बाद क्यून फैमिली भी उसको पसंद नहीं करती। जो सुनते युवान कहती भाई मुझे मालूम है यार ये लड़के के बारे में क्यून फैमिली के बारे में बेकार नहीं है बहुत ही अच्छा है, वो अपने भाई का सुप्रीम बोर्ड यहाँ पे चोरी करेगा और निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई पक्का ही झूठ बात यहाँ पर होगी। दूसरी लड़कियां कहती है भाई चल संभाल लीजिए ये बात यहाँ पे सच है और क्यून फैमिली भी लाइक नहीं करती है और हम लोग गए उसके अंडर में और क्यून फैमिली ने भी हमको जान से मार डाला। तो ये कहती है मैं क्यून फैमिली के हाथों से मरना पसंद करूंगी इन टीएन फैमिली के हाथों के द्वारा। तो लोग उस एरिया में निकल जाते जो पीछे कर रहे थे ना वो भी नोटिस करते शिट यार ये लोग तो क्यून फैमिली के एरिया में जा रहे हैं, बोलो हम लोग क्या करें। दूसरा लड़का कहता है क्या करें पीछा करो यार क्यून फैमिली से हम लोग डरते क्या, हाँ तो पीछा करने लग जाते। लड़कियां भी नोटिस करती कि भाई इतने जिद्दी आदमी है ना कि साले यहाँ तक भी हमारा पीछा
क्या करे, बोलो यार क्या करे। युवान कहती भाई क्या कर सकते, जो स्पीड है ना स्पीड यहाँ पे बढ़ाओ, उनका पीछा यहाँ पे करते रहो, मतलब भागते रहो। तो भागे जा रहे उतने में अचानक से जमीन है ना, जमीन दो हिस्सों में डिवाइड होने लग जाता है। एक हिस्सों में हमारी युवान और बाकी लड़की आ जाती है, और दूसरे हिस्से में वो बाकी टीएन फैमिली के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो सामने से कन्फ्यूजन की भैया अचानक से क्या हो रहा है, हमारे में कटकी जो माँ यहाँ पे थी भाई, क्यून फैन की माँ, लंबे समय बाद इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वो धमकाते कि वाह टीएन फैमिली के, वाह तुम्हारी फैमिली के हरे बालों वाली लड़की थी ना, जिसने मेरे छोटे बेटे के साथ ना पहले शादी का रिश्ता यहाँ पे कैंसिल किया, उसकी बेइज्जती यहाँ पे मारी, और आज मेरे एरिया में यहाँ पे घुस रहे हो। यार साले तुम सब तो मरना डिजर्व करते हो, इतना बोल के ना एक जोरदार अटैक उन सारे बंदों पे कर देती है। तो बाकी जो लड़कियां थी ना अपनी, वो देख के चौंक जाती है, ओ माय गॉड यार ये कितनी स्ट्रांग है, डर रही थी वो लोग भी। तो ये भी कहती है डरो मत, तुम पक्का क्यून फैमिली के एरिया की ओर आ रही थी, मैं क्यून फैमिली की तुम मालकिन कह सकते हो, मेरे पति क्यून फैमिली के लीडर यहाँ पर है, क्यून यूंग मेरा पूरा यहाँ पे नाम है। तो जैसे लोग नाम सुनते हैं क्यून यून, अरे यार जो हमारा है ना क्यून फैन, ये तो उसकी हमें जान है यार, वो बड़े हैंडसम यहाँ पर है यार, हम ही सोचते भी इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं, उनकी माँ भी तो इतनी सुंदर यहाँ पर। तो जो भी सुंदरता की खासियत है ना उनकी माँ से उनको यहाँ पर मिला है। युवान भी देखती है अच्छा तो ये उनकी अम्मी जान है, आगे जाती है, वो कहती मिस क्यून नमस्कार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, युवान मेरा यहाँ पे नाम है। ये कहती है या जानती यहाँ पर हूँ, जो मून गॉडेस पैलेस है ना उसकी मेंबर यहाँ पर हूँ ना, जहाँ पे मेरा बेटा क्यून फेंग भी आया था, बोलो मेरा बेटा, मेरे बेटे की कैसी हालत है ये बताते भाई आपके बेटा, अरे आपका बेटा तो आग लगा रहा है यार, वो हमारे सेठ का होली सन यहाँ पे बन चुका है, प्लस हमारे डायनेस्टी का तीसरा होली सन भी उसको यहाँ पे चूज किया गया, उसने बहुत ही चीज उखाड़ा है और बहुत ही फेमस हो गया। तो माँ भी इमोशनल हो जाती है कि वाह मेरे बेटे ने इतना सब कुछ पाने के लिए ना बहुत ही मुसीबत यहाँ पे झेला है। अब आते हैं भाई हमारे मेक कैटर की ओर, जो कि लीन फैन के पीछे ही पड़ा हुआ कि बेटा कुछ भी हो जाए तो जहाँ जाएगा ना अपन वही वही आएगा। तो लीन फैन भी कहता भाई तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पीछे आना जरूरी है क्या। ये भी कहता काम धंधा, अरे बहुत ही काम धंधा है, लेकिन तुम्हारे साथ मजे करने के अलावा, मतलब मजे करने से बढ़िया और क्या ही हो सकता है। उतने में पीछे से एक बुढ़ा यहाँ पर आता है, बुढ़ा आते कहता सुनो भाई तुम्हें से कौन बंदा यहाँ पर है जो कि सीक्रेट रूम के अंदर से आया है, लगता है तुम सब यहाँ पे आ रहे हो, बताओ तुम्हारे लीडर यहाँ पे कौन है। तो जो लीन फैन है ना लीन फैन पे इल्जाम लगा दिया जाता है, यस यही हमारा मुखिया है, जो सुनते ही बुढ़े को भी आ जाता है गुस्सा के, तो हर माई के तू है लीडर यहाँ पर है, उस पर अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है। वो भी चिल्लाता है सालो भाई मेरे ऊपर तुमने नाम लगा दिया, बुढ़ा अटैक करता है, हमारा लीन फैन भी अटैक करता है, दोनों के अटैक से जो शौक तैयार होता है ना, जिससे क्यून फैंग भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई क्या शौक है, जो बुढ़ा है ना वो बुढ़ा सची में बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा। सुनो यार सिस्टम मैनू फाउंडेशन बिल्डिंग पिल यहाँ पे दे दो, तो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल लेता है और यहाँ पे खा लेता है। दूसरी जो बुढ़ा यहाँ पे था ना उसने लीन फैन की बैंड बजा दी थी और कहता है बेटा मानना पड़ेगा तू तो सची में मुझे काफी कमाल का यहाँ पे लगता है, लेकिन आप भी बुढ़ा है आपके पास ना, मतलब मेरे पास तेज से ज्यादा पावर और ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, तो बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। उतने में अपना क्यून फैंग ना पिल विल खा के पीछे से आ जाता है और कहता है हेलो बुढ़े देखो बोलो क्या काम है भाई, फाइट करना आ जाओ फाइट करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, देखते भैया बुढ़ा कौन है और आगे क्या क्या करता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।